अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक तो पिक में HD ब्लर करेंगे, पिक को HD ब्लर करेंगे, इसके बैकग्राउंड को, और दूसरा हम फेस को स्मूथ करने का एक एग्जैक्ट वे निकालेंगे जिसमें पिक बिल्कुल क्लियर रहे, बिल्कुल ना फटे। तो टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भाई मेरे चैनल पर न्यू है या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी पिक को स्नैप सीड ऐप में ओपन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्नैप सीड में ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले नीचे टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्टिव के ऑप्शन पे क्लिक करना और कुछ इस तरह से एरिया सेलेक्ट करके इसकी आपने लाइट एडजस्ट कर लेनी है कुछ इस तरह से, और नीचे डन कर देना। डन करने के बाद टूल्स पर फिर टून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देनी है। नीचे आके एक एम्बियंस का ऑप्शन होता है, इसे भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको बढ़ाने के बाद आपने डन कर देना है। डन करने के बाद आपकी पिक कुछ इस तरह से नज़र आने लग जाएगी। इसके बाद आपने करना क्या है, आपने नीचे टूल्स के ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करना है। यहाँ पर एक हीलिंग का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और कुछ इस तरह से इसके एरिए को करके रिमूव कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपने इसे दोबारा से कर देना है। इस तरह से रिमूव करने के बाद आपने नीचे डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा आपने टूल्स के ऑप्शन पे जाना और यहाँ से आपने लेंस ब्लर के ऑप्शन पे जाना है। ये यहाँ पे एक मौजूद है लेंस ब्लर, इस पर आपने क्लिक करके कुछ इस तरह से इसका साइज़ डिक्रीज़ करके नीचे कर देना है और इसकी इस तरह से अमाउंट फुल बढ़ा देनी है। इस तरह बढ़ाने के बाद आपने दोबारा से नीचे डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने उसके बाद इस तरह क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको दोबारा से सेट कर लेना है। इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा लेनी है और इसका वार्म थोड़ा सा कम कर देना है कुछ इस तरह से, सैचुरेशन थोड़ी सी और बढ़ा लेनी है। उसके बाद आपने डन कर देना है। इसके बाद आपने अपनी पिक को, इस पिक को जो यहाँ पे मौजूद है, इसको आपने सेव कर लेना है कुछ इस तरह से। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। इस तरह से ये पिक गैलरी में सेव हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से व्यू एडिट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेलेक्टिव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ये पिक कुछ इस तरह से आ जाएगी। आप टोन इमेज पे क्लिक करें तो आपका ये नेक्स्ट जो आपने स्टेप किया था इस तरह से आ जाएगा। तो ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने टूल्स के ऑप्शन पर दोबारा जाना है और यहाँ से डबल एक्सपोजर पर क्लिक करना है और नीचे प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपने यहाँ से अपनी इस वाली पिक को इम्पोर्ट कर देना है। इसको इम्पोर्ट करने के बाद आपने इसकी ओपेसिटी जो है वो फुल कर देनी है और डन कर देना है। डन करने के बाद आपने दोबारा इस वाले ऑप्शन पे जाना है, व्यू एडिट्स पे जाना है, डबल एक्सपोजर पे जाना है और ये सेंटर वाले पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्लिक करने के बाद आपने इसको कुछ जूम करके और कुछ इस तरह से इसके एरियाज़ को ब्लर कर देना है अपनी पिक को छोड़ के। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह करने के बाद आपने नीचे डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं किस तरह कितनी ऑसम लग रही है। उसके बाद आपने ऊपर से इसे बैक कर देना और बैक करने के बाद आपने शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके पिक को लाइट रूम ऐप में इम्पोर्ट कर देना है। तो लाइट रूम में इम्पोर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे कलर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने मिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर देना है। आपने कुछ इसकी कलर ग्रेडिंग इस तरह की कर लेनी है और सेकंड वाले टूल पर क्लिक करके कुछ फेस इसका आपने इस तरह कर देना है और थोड़ा सा इसका सैचुरेशन कम कर देना है। इसी तरह आपने इस वाले टूल पर क्लिक करके कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग रख लेनी है और इसकी भी आपने कुछ इस तरह से रख लेनी है।
और ऐसा करने के बाद आपने शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। शेयर टू के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने स्केच बुक में इंपोर्ट कर लेना है। बाद आपने ऊपर से इस वाले ऑप्शन से आपने अपना ब्रश ये वाला सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसकी सेटिंग आपने देख लेनी है। और मैं इसकी सेटिंग देख लेता हूँ। आपने इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से थोड़ी इस तरह से रख लेनी है। और उसके बाद आपने जूम करके पिक को स्मूथ कैसे करना है, आपने इस तरह इसका साइज एडजस्ट करना है और पिक को स्मूथ कर लेना है। कुछ इस तरह से स्मूथ करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी पिक कितनी ऑसम लग रही है। और इस तरह से आप अपनी इस पिक को देख सकते हैं कि ये फुल HD भी है, बैकग्राउंड भी देख सकते हैं फुल ब्लर और HD हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आपने पिक को सेव कैसे करना है, आपने काफ़ी भाइयों को तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से सेव टू डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करके पिक को अपनी डिवाइस में सेव कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।